हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी। जो फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने जा रहे हैं एसएससी वेस्टर्न रीजन T20 का छठा मैच, जो कि खेला जाएगा ईरान व सऊदी अरबिया के बीच। फ्रेंड, आपको बता दूँ, ईरान की टीम अभी बिल्कुल नई है, अभी पहला मैच खेली है वो, इसके पहले जस्ट अपना पहला मैच खेली है, उसमें वो जो है केवल 61 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो अभी नई है। वहीं सऊदी अरबिया की टीम ठीक ठाक है, आईसीसी रैंकिंग में वो 24वें नंबर पर चल भी रही है सऊदी अरबिया टीम। तो इस मैच में जहाँ तक है, सऊदी अरबिया इस मैच में डोमिनेट करने वाली है। फ्रेंड, बता दो, प्लेइंग 11 ईरान की टीम में थोड़ी से एक आध जो चेंजेस हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, वहीं सऊदी अरबिया में भी एक आध दो चेंजेस हो सकता है। सऊदी अरब पहला मैच जो है खेली है और पहला मैच वो हार गई है, ठीक है, कुवैत से 113 रन बना के ऑल आउट हुई थी, 114 बना के कुवैत जीत ली है, ठीक है। वहीं पर ईरान अपना पहला मैच हार के आ रही है, 61 रन पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। फ्रेंड बता दूँ, ये मैच जो खेला जाएगा छठा मैच है, और ये मैच खेला जाएगा फ्रेंड बता दूँ अल अमरीट क्रिकेट ग्राउंड ओमान के Turf 1 पे खेला जाएगा, मिनिस्ट्री Turf 1 पे। फ्रेंड, यहाँ का वेदर बिल्कुल क्लियर रहने की संभावना है, प्लस आपको बता दूँ यहाँ पे मैच जो है पूरा होने की पॉसिबिलिटी है। प्लस उसके बाद बता दूँ फ्रेंड, सऊदी अरब इस मैच को डोमिनेट करने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड, आज का मैच हम लोगों को बहुत अच्छा गया। उसके पहले बता दूँ, इस मैच से भी संबंधित जो कोई भी अपडेट रहेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको दिखा देता हूँ, उसको आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन तुरंत कर लेना, उसी में अपडेट डाल दूँगा। कुछ खिलाड़ी अगर खेलेंगे तो मैं उनको ज़रूर पिक करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आज ही आपको दिखा देते हैं अपना टेलीग्राम चैनल। ये टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन आके सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपके टेलीग्राम चैनल पर होगा, टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन नाम से सर्च कीजिए, टीपी करके आएगा। अभी कम मेंबर्स हैं, जो भी हैं फ़ायदे में फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए, हमने फुटबॉल का टीम भी बहुत अच्छा दिया था, बहुत अच्छी टीम हमारी ये गई थी। उसके बाद अधिकतर मैच मैं क्रिकेट का भी देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे क्रिकेट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा आज, और आकिब इलियास बली न्यूज़ भी हम लोगों ने दे रखा था, वो भी बहुत अच्छा मैच हम लोगों का गया है आज का। और ये वाले में जिसमें आकिब इलियास को काफ़ी लोगों ने लिया था, हम लोगों ने न्यूज़ दिया था। उसके बाद फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर देख लो, सुबह में मैच हुआ था, वो भी बहुत अच्छा गया था आवेश मलिक और नदीम की वजह से। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, ये मैच भी हम लोगों का अच्छा ही जाएगा। तो आप लोग टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना फ्रेंड। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरबिया में साजिद चीमा जो कि स्क्वाड में दिए हुए हैं नहीं खेले थे, अगर खेलेंगे तो ओपन करेंगे मथीन के स्थान पर, उनको हम लोग पिक कर लेंगे। वहीं इब्रारुल हक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग वाली दोनों करते हैं, विकेट लेके जाते हैं अच्छा खासा, उनका 5 मैचों में 7 विकेट लिए हैं, वो भी नहीं खेले थे, वो भी अगर खेलेंगे तो फ्रेंड उनको भी अपनी टीम में पिक करना है हम लोगों को। तो ठीक है, आप लोग टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन सर्च कीजिएगा, उसको जरूर से टीपी करके आएगा, आप लोग ज़रूर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। तो आज ये ड्रीम लोन टीम बनाया मैंने, अब बाकी कोई भी अपडेट रहेगा मैं इस पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आ जाइए ड्रीम लोन टीम पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करके अपनी टीम क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल प्लेइंग 11 नहीं आता, थोड़ा सा रिस्की मैच भी रहते हैं, लेकिन यह है कि आप थोड़ा सा सभी के लिए रिस्की रहते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा लगा सकते हो पहले मैच के हिसाब से, क्रिएट करके अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है। टेक्निकल अभी प्रेडिक्शन का लोग जरूर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड, आ जाइए ड्रीम इलेवन टीम पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन देख लीजिए, जे बट ये थोड़ा सा नीचे खेले थे फ्रेंड, आपको बता दूँ, और मे बी पॉसिबल है कि इनकी बैटिंग ना आए, अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग करेंगे तो इनकी बैटिंग आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम बनती है। वही मोहम्मद यूसुफ थोड़े से ऊपर आए खेलेंगे 4थे से 5वें नंबर, प्लस इनकी बैटिंग आने की पूरी पॉसिबिलिटी है ईरान की तरफ से, तो हम लोग फ्रेंड इनके साथ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आ जाइए बैटिंग सेक्शन से, फैशल खान बहुत अच्छे बल्लेबाज है सऊदी अरबिया के, और बहुत अच्छे इनका अभी तक इनका एवरेज भी 40 करीब रहा है, अच्छे खासे बल्लेबाज है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, अच्छा खासा रन करते हैं। और ईरान की तरफ से ई सबाक्ष ये ठीक ठाक हैं फ्रेंड, बता दूँ अच्छे ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं, कभी कभी बॉल भी डलाते हैं। और एस पूरत ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, एक मैच इन्होंने 88 रन की इनिंग खेली थी अभी भी हाल ही में, और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इस मैच में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं, ऊपर ही ये भी खेलते हैं। डी खोडा दहानी कैप्टन है ईरान के फ्रेंड, थोड़ा सा नीचे खेलते हैं इसलिए हम लोग इनके साथ नहीं गए हैं। अब्दुल वहीद इनके साथ गया हूँ, ये भी थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हैं, पिछले मैच में तो ओपन किए थे, अब हो सकता है इस मैच में भी ओपन करें, फिलहाल के लिए हम लोग इनके साथ गए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं, बाकी नीचे जो भी हैं थोड़े से एवरेज टाइप के हैं फ्रेंड। ऑलराउंडर देख लीजिए, यम जय जय जे
ये भी ईरान की तरफ से हैं अच्छे खासे, ये भी बैटिंग करते हैं और कभी कभी थोड़ी सी बॉलिंग भी कराते हैं अच्छी खासी, ठीक है। अब्दुल वहीद बहुत अच्छे बॉलर हैं फ्रेंड, इन जिनके बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड, ये हैं इब्रारुल हक जिनको मैं कह रहा हूँ, अगर ये खेलेंगे तो मस्ट पिक बनेंगे फ्रेंड हम लोगों के लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से, और वाइस कैप्टन के भी बेस्ट चॉइस या कैप्टन के भी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम धोरी एवरेज है, आई यूसुफ खेले थे फ्रेंड, बॉल डलाए थे तीनों और काफ़ी पिटाई हुई थी, लेकिन फ्रेंड खेलेंगे तो ईरान के खिलाफ इफेक्टिव हो सकते हैं अगर खेलेंगे तो, मे बी इनके स्थान पे भी इब्रारुल ला सकता, फिलहाल के लिए हम लोगों ने नहीं लिया है। वही बॉलिंग सेक्शन में आ जाइए फ्रेंड, हाशमी के साथ नहीं गए हैं हम लोग, ईरान के बॉलर हैं, ठीक है, ठीक ठाक ऑप्शन है। उसके बाद सऊदी अरबिया से हम लोग गए हैं शोएब अली, बहुत अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, इनके साथ गया हूँ। उस्मान अली लेफ्टर्म आर्थोडॉक्स बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनके साथ गया हूँ। यान बामरी ये बैटिंग बॉलिंग थोड़ा सा, बैटिंग भी थोड़ा ऊपर करते हैं बॉलिंग भी थोड़ा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाईली रेटेड बल्लेबाज हैं डोमेस्टिक लेवल में ईरान के लिए, इनके साथ गया हूँ। उसके बाद इधर आ जाइए ए बट अहमद भट्ट के साथ गया हूँ, ये भी बॉल डलाए थे फ्रेंड सऊदी अरब की तरफ से, तो अच्छे बॉलर हैं, यही एकमात्र विकेट निकाले थे आज जो मैच हुआ था कुवैत के अगेंस्ट में, तो अच्छे ऑप्शन है। तो ये हमारी टीम बन के तैयार है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिए, ये कैप्टन मैंने फैसल को बनाया, वाइस कैप्टन नियम जयजय को बनाया है, अगर फ्रेंड अभी विरारुल खेलेगा या चीमा खेलेगा तो फ्रेंड हम लोग उसको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए ड्रीम इलेवन की टीम मैंने बना के दे दिया है आपको, और आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा प्लेयरों के बारे में, उसी हिसाब से एडजस्ट करके लगा लीजिएगा। सऊदी अरबिया की रैंकिंग आईसीसी में भी 24 है, वहीं ईरान की टीम बिल्कुल यंग है, अभी उसकी रैंकिंग अलॉट ही नहीं हुई है, और फ्रेंड अभी वो काफ़ी नीचे है, अभी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, मे बी अगर पहले खेलती है तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर पहले खेलती है तो हो सकती है कि 70 से 80 या 100 तक भी बना के आउट हो जाए, और सऊदी अरबिया उसको आसानी से टारगेट को चेस कर सकती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने टीम क्रिएट किया, आप लोग देख लीजिएगा, पहले बैटिंग कंडीशन आने पे इब्रारुल को भी आप कर ले सकते हो, चीमा को भी पिक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। बाकी जो कुछ भी अपडेट आएगा फ्रेंड मैं इस मैच से संबंधित, मैं उसे टेक्निकल भी प्रेडिक्शन पे आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड। आपको बता दूँ ये जो ऊपर के मैंने लिए हैं फैशल वहीद और एस इंगलम, ये तीनों ऊपर खेलते हैं, एक एक और लोग खेले थे, अगर वो खेलेंगे तो उनको भी हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे, वो टॉप 3 या 4 हमको पिक करना फ्रेंड, बाकी बॉलर को पिक करना है, ठीक है। अगर पहले बॉलिंग आती है तो 4 बॉलर के साथ चले जाएंगे, 3 टॉप 3 बल्लेबाज के साथ जाना है, ठीक है। तो ये टीम रहने वाली है हम लोगों की, अभी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं ईरान की टीम के, देखा जाएगा आगे के मौका मिलने में कैसा परफॉर्मेंस करती है किस टीम के खिलाफ, तो आती है तो उसी हिसाब से उनको लोगों को एडजस्ट करके टीम बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। बाकी फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड अपने मित्रों में अपने दोस्तों में जो भी खेलता होगा उसको आप शेयर ज़रूर करना मेरा चैनल, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और रेड वाला बटन दबा देना सब्सक्राइब वाला, और बेल आइकन दबा देना जैसे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आशा करता हूँ फ्रेंड हम लोगों का टीम बिल्कुल बेस्ट जाएगा, जैसा कि जा रहा है वुमेंस वाला भी और वुमेंस वर्ल्ड कप वाला भी और ये वाला भी, ठीक है फ्रेंड, वेस्टर्न रीजन T20 का, तो ये दोनों मैच हम लोगों के अच्छे ही जाने वाले हैं फ्रेंड। बाकी और मैच भी मैं कवर करूंगा फ्रेंड, आप लोग देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए वीडियो के साथ, और इसको अपडेटेड टीम अगर प्लेइंग 11 नहीं आएगी कहीं से भी हमको न्यूज़ आएगी कि इब्रारुल खेल रहा है तो वो मस्ट पिक बनेगा, क्योंकि 51% अभी भी सिलेक्शन है, लेकिन पहला मैच वो नहीं खेला था, पता नहीं क्यों नहीं खेला था, कोई भी इशू रहेगा उसकी जानकारी मैं हासिल करके किसी तरह से मुझे मिलेगा तो मैं दे दूँगा। बाकी फ्रेंड आपको ये भी बता दूँ वुमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैच में उसमें प्लेइंग 11 आ जाता है, उतने रिस्की नहीं हो, वो भी आप खेल सकते हो, ये भी मैच अपने थोड़े से रिस्क पे खेल सकते हो, और ग्रैंड लीग भी खेल सकते हो, ठीक है फ्रेंड। आप ग्रैंड लीग बिल्कुल पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग बिल्कुल जीत सकते हो इस मैचों में, स्मॉल लीग थोड़े से रिस्की हो जाएंगे क्योंकि बिना प्लेइंग 11 के कौन खिलाड़ी खेलेगा कौन बैठ जाएगा, अभी इब्रारुल इतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अगर आज बैठ गया था तो हो सकता है वो अगले मैच में खेले, ठीक है, स्क्वाड में दिया हुआ है और मे बी पॉसिबल है खेल सकता है, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ अब्दुल वहीद भी अच्छा बॉलर है, उस्मान अली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कमज़ोर टीम खिलाफ हमेशा अच्छे होते हैं, शोएब अली ऑफ ब्रेक बॉलर है, अच्छा बॉलर ये भी है, और ए भट्ट भी ठीक ठाक बॉलर है, ठीक है। बाकी अभी देखना होगा कि ईरान की टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है, ठीक है। तो ये हमारी टीम है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दिए होंगे आशा करता हूँ, और मेरे मेहनत को आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट आप लोगों से मिलता है फ्रेंड अगर आप लाइक करते हो कमेंट करते हो और सब्सक्राइब और शेयर करते हो। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।